नमस्कार, मैं अमन और आप सभी का स्वागत है वीके न्यूज में। आईपीएल 2020 में कल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 82 रन से मात दी और इस मैच के हीरो रहे एपी डिविलियर्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों में नाबाद 73 रन की पारी खेली। जहां एक तरफ बड़े बड़े बल्लेबाज फ्लॉप हुए, वहीं डिविलियर्स ने लंबे लंबे छक्के जड़े और इस मैच को पूरा अपनी तरफ पलट दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने निर्धारित ओवर में 194 रन बनाकर केकेआर को 195 रनों का लक्ष्य दिया, मगर इस लक्ष्य के नीचे केकेआर पूरी तरह से दब गई और निर्धारित ओवर में 9 विकेट पर 112 रन ही बना सकी। इन सब के बाद लोग केकेआर और उनके मालिक शाहरुख खान को काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि विराट कोहली और एपी डिविलियर्स ने शाहरुख खान को रुला कर रख दिया। मैच की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बिल्कुल भी केकेआर को इस मैच में आने नहीं दिया। पहले बैंगलोर ने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन दिखाया, उसके बाद जब उनकी गेंदबाजी आई तो केकेआर के किसी भी बल्लेबाज को ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। मैच से पहले ये काफ़ी चर्चा थी कि शाहरुख खान की टीम आज विराट पर भारी पड़ेगी, लेकिन विराट ने सभी की बोलती बंद करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को विजयी बनाया और अपने फैंस को खुश कर दिया। आपको बता दें कि ऐसे खबरें आई थी कि सलमान खान भी शाहरुख खान की टीम को सपोर्ट करते हैं, तो फिर क्या था, बेंगलोर के फैंस ने सलमान खान को भी टारगेट बना दिया और सलमान खान को भी जमकर सुनाया। इसके बाद फैंस का ये भी कहना था कि शाहरुख खान को इस आईपीएल में बैन कर देना चाहिए। मैं अपने दर्शकों से भी पूछना चाहूँगा कि शाहरुख खान को बैन करना चाहिए कि नहीं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वहीं हम मैच की बात करें तो एपी डिविलियर्स ने तो मानो पागल ही हो गए थे कल के मैच में। उन्होंने हर एक गेंदबाज को जमकर धुना और इतने बड़े बड़े छक्के लगाए कि बाहर सड़क पर ट्रैफिक का जमावड़ा हो गया। इसी जीत के साथ ही आरसीबी पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बाद तीसरे नंबर पर आ गई है। कोहली ने 6 गेंदबाजों को आजमाया और सभी ने केकेआर के खिलाफ सफलता मिली। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।